जी हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं दामोदर राव आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। आज फिर रिदम म्यूजिक स्टूडियो में आप लोगों के सामने दो सिंगर, मशहूर सिंगर बैठी हुई हैं। थैंक यू सर। मशहूर इसलिए कि बहुत सारा गाना है इनका, आप लोगों ने सुना है, अपना प्यार दुलार दिया है, बहुत अच्छा चला भी है, काफ़ी व्यूज भी मिले हैं। आज फिर गाना इन लोगों का हिंदी रिकॉर्ड हुआ, बहुत ही अच्छा। ये है प्रियंका मौर्या। सभी को प्रणाम नमस्कार। और जो भी कर बोल रहे हैं सर, ये सब इनकी देन है। और मैं आपको झूठ नहीं सर, सच बात है कि झूठ जिंदगी में पहली बार मैंने साई रिकॉर्ड्स में गाने गाए थे। 20 जनवरी 2019 को मैंने पहला बार गाना गाया था, पहली बार गाई थी। और वो गाना रिकॉर्ड हुआ था वेब एंड फ्रेम स्टूडियो में, जी और सर ने मुझे गवाए। और फिर अभी चालू है, आप लोग प्यार और आशीर्वाद देते रहे हैं। साथ में इनकी बहुत ज़्यादा इनकी मेहनत है, इनका लगन है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि अच्छा काम चल रहा है इनका, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, प्रोग्राम भी चल रहा है, शोज भी चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये लोग एकदम आगे बढ़े, क्योंकि इनके आगे बढ़ने से मन में एक होता है कि पहले ये लड़की यहाँ गाई थी और आज अच्छा नाम कमा रही है, शोहरत कमा रही है, तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये कलाकार की ही भावना होनी चाहिए। खुशी होती है कि भाई शुरुआत यहाँ से हुई, चाहे यहाँ आके गाती है, ये भी हमारे लिए उपलब्धि है, अच्छी बात, बड़ी बात है। सर आप गवाते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप गाते हैं तभी तो गवाते हैं। आप तो किसी को भी गवा देते हैं सर, आप किसी को भी। इतना आपके अंदर वो टैलेंट है कि मतलब जो बोल लेगा वो दामोदर सर के यहाँ गा लेगा। सिर्फ बोलने देखिए ढंग गाने आना का चाहिए। हमारा अनुभव ये है कि हम सब तो ईश्वर के ही संतान हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि दुनिया में 99% लोग सुरीले और भाग्यशाली होते हैं। बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि 1% छोड़ के 99% लोगों को गवाया जा सकता है, मुझे लगता है। और मैंने ऐसा कोशिश किया, एक्सपेरिमेंट किया है, वैसा हुआ है। लोग गा लिए हैं और फिर बाद में गाने लगे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस किए हैं, अभ्यास किए हैं, गाने लगे हैं। सही बात तो है। चलिए इसमें भी ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ईश्वर ने हमको प्रेरित करता है और हमारे द्वारा फिर किसी को गवाता है और फिर वो उसके अंदर प्रेरित करता है, वो गाता है, जो कभी गाया नहीं था वो गाने लगता है। यहाँ तो बिल्कुल ईश्वर की जब कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी चलने लगता है, चलने लगता तो है। बड़ी कृपा बिल्कुल ईश्वर की, तो बड़ी बहुत बड़ा विधान है। साथ में बैठी हुई हैं आराध्या शर्मा जी, गुजरात की रहने वाली नहीं है, रहती हैं जय माता दी। गुजरात में रहती है ना, हाँ रहने वाली बिहार, बिहार की रहने वाली है। और ये हम भी तीनों बिहार के रहने वाले हैं। मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ, गोपालगंज की। हम एक बार गए थे कुर्ला स्टेशन पर, तो गाड़ी जा रही थी तो हम लोग किसी को छोड़ने गए थे, तो दो एक लड़की खिड़की पर खड़ी थी, एक तो कह रहा था अरे बिहारन, हम कहे थे नया शब्द का इजाद हुआ जी, तो हम तो बिहारी है ही, तो समझिए लोग बिहारन है, एक नया शब्द है। अच्छी बात है ना, प्राउड होता है कि हमारे बिहार के लोग बहुत हैं। बिल्कुल। वाकई बिहार और इसलिए आगे है, बिहार बहुत आगे है, अपने देश में आगे है, दुनिया में भी कुछ कुछ मायने में। हमारे सर बिहार के रहने वाले बिहार, फिल्म लाइन के उदित नारायण जी बिहार के रहने वाले हैं, और जी राजेंद्र बिल्कुल, प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका जिनको कहा जाता है कि डबल माइंड था उनका, सुनने में आया है, सुनते हैं हम लोग चाहे पढ़े हैं, कहा जाता था कि दो रेडियो से दो न्यूज सुनकर दोनों हाथों से अलग अलग लिख देते थे, क्या बात अरे है। बाप बाप रे, हम लोग जहाँ तक सुने हैं। राजेंद्र प्रसाद जी जीरा देई का रहने वाले थे। तो बिहार बहुत खूबियों से भरा है, यूपी बिहार अपने देश का। अच्छा ऐसे हमारे देश में तो हर राज्यों में, हर राज्य जो है देवों की भूमि है, महाराष्ट्र भी देवों की भूमि है, शिवाजी से लेके बड़े बड़े यहाँ देवता महात्मा सब पैदा हुए थे। तो चलिए बहुत अच्छी बात। आराध्या शर्मा जी जी बताइए, कुछ बताइए गाना के सर बारे में। बिहार के आज बारे में, बहुत ही आज अच्छा, बहुत ही, आज बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड हुआ है साई रिकॉर्ड से। और बात करना चाहूंगी मैं दामोदर सर की, तो जब मैं पहली बार गाना स्टार्ट की, पहले गाती भी नहीं थी, तो मैंने वापी में स्टार्ट किया। जो राजू रंगीला, वापी के सिंगर राजू सर, उन्होंने मुझे पहला लाइव शो, मतलब लाइव शो करवाया मुझसे। तो दामोदर सर वहाँ पे आए थे, तो दामोदर सर ने मुझे देखा, फिर राजू सर ने पूछा इनसे कि क्या ये गा सकती है। तो दामोदर सर पता नहीं क्या देखे, कुछ ना कुछ तो इनको दिखा कि हाँ ये लड़की गा सकती है। फिर इन्होंने बुलाया मुझे स्टूडियो में, मैं आई, मैं गाई। तब से मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहला गाना मेरा यहीं पे रिकॉर्ड हुआ, और मुझे मेरा बहुत भी प्यारा क्या लगा बात बहुत ही। और तब से मैं इनको बहुत मानती हूँ। है। और मतलब एक ऐसे इंसान है ना कि यहाँ पे कोई भी सिंगर आए तो रोते रोते भी अगर गा रहा है वो होगा ना, वो तो वो इंसान हंस दे।
सही मतलब ये बहुत इंटरटेनिंग पर्सन है, सबको इंटरटेन करते हैं, हर एक सिंगर को इंटरटेन करके गवाते हैं और सबको अच्छी बातें सिखाते, अच्छी नॉलेज देते हैं, वो इनके अंदर खूबी बहुत अच्छी है। और हम बस इनसे यही बोलेंगे कि आपका आशीर्वाद रहे हम सब पे, हम जितने भी लोग हैं ऐसी बुलाए, ऐसी गवाए और ऐसे ही कुछ कुछ बातें ज्ञान की बताते रहे हम लोगों को। और रही बात बिहार की, तो बिहार कहते हैं बिहार मतलब गणतंत्र का जो पहला गणतंत्र बिहार में ही हुआ था वैशाली में, और आज पूरे विश्व में फैला हुआ है वैशाली में, वो अशोक स्तंभ भी है। हाँ, और हमारे यहाँ हमारे जिला में पश्चिमी चंपारण में लौरिया में भी अशोक स्तंभ है, मैंने देखा है, मैं गई हूँ वहाँ पे, लौरिया नरकटियागंज के साइड है। हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पे शो करने के लिए अपने गुरु नरकटियागंज ही है। हाँ, और जीरो का आविष्कार जिसने किया आर्यभट्ट ने, बताइए, वो भी बिहार के ही बेटे हैं, थे, सॉरी, जन्म लिए। और बिहार इतना मतलब मैं बिहारी हूँ ये कह के मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है। और सर आपको भी ऐसा लगता है? मुझे तो बिहारी होके भी प्राउड फील होता है, इंडियन होके भी प्राउड फील होता है कि आई एम फ्रॉम इंडिया। ये बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो इंडिया में इतना प्यार है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखने को है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, मतलब बहुत प्यार लगता है, बहुत प्यारा भी लगता है। ये आराध्या शर्मा जी का मैं गाना सुनाता हूँ, देखिए आप ये। बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा। जो है यूनिटी और खुश मिजाजी बनी रहे सब में, आप लोगों का प्यार दुलार मिले। और ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पे जरूर, आप लोग भी गाना थोड़ा सुना दीजिए। अब देखिए आपका गाना सब तक वीडियो बढ़ जाएगा, क्योंकि वीडियो में जाएगा तो कोई बात नहीं, आप एक ही वीडियो में चला जाएगा, लंबा हो जाएगा, सब लोग देख रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन आज जो तारीख जो है, आज 6 तारीख है, 6 तारीख का 2 आदमी का बर्थडे हम विश कर देते हैं वीडियो के माध्यम से। अब भूपेंद्र सिंह गायक जो है, गजल गायक, बहुत सारा गाना आप लोग सुने होंगे, उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में जो राष्ट्रीय गीत अपना, एक देश भक्ति गीत है मेरे वतन के लोगों, जिसको लता मंगेशकर जी ने गाया है, उसको लिखने वाले कवि प्रदीप जी का आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन पर आज उनको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, जय माता दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे वाले वीडियो में हम लोग सुधार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी, जय माता दी।